हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल स्वाति ब्लॉग्स में स्वागत है। दोस्तों सुबह हो चुका है और हम लोग जग गए हैं। यहाँ पे ये लिस्ट बना रहे हैं दोस्त, हम लिस्ट बना रहे हैं कि इसको एडमिट कार्ड चाहिए। हम बनारस निकाले थे तो पता ना कहाँ खो गया है, तब पीडीएफ में है, हम एडमिट कार्ड निकलवा देंगे। पहला एडमिट कार्ड और क्या चाहिए, और दूसरा में किताब, गेस्ट पेपर। कौन सा गेस्ट पेपर? टारगेट का ही है, ये वन का ले लीजिएगा। टारगेट गैस पेपर लिख दिए, N95 दो मास्क हो गया। और दोस्तों हम लोग लिस्ट तो बना लिए और ब्रश भी कर लिए, अब खाना उना खा पी के निकलेंगे। हाँ, तो आज इसका हर सामान खरीद लेंगे और कल से इसका एग्जाम है दोस्त। तो हम लोग मतलब लेट जगे हैं क्योंकि कल रात को थक गए थे। कल सो गए थे, काफी थक गए थे, मेरे तो कमर में बहुत ज्यादा दर्द देने लगा था। तो चलिए अब नहा धोहा के मार्केट के लिए निकलेंगे। आप अकेले ही जाइएगा ना, देख सकते हैं। ये बोल रहे कि हम नहीं जाएंगे, कि हमको लोग पहचान लेंगे। नहीं तुम ही चलो, क्या दिक्कत। दोस्तों हम उनको लिस्ट तो बना के दे दिए हैं, अब जा रहे हैं नहाने के लिए। और ये देख सकते हैं लिस्ट लिए हुए हैं। जानते हैं दोस्त, इसका लिस्ट पर लिस्ट बढ़ रहा है, एक न एक सामान घट ही जा रहा है। ए क्या क्या लिखे हैं पढ़ के बता दीजिए, ज्यादा कुछ थोड़ी है। 700-800 रुपए दोस्त लगेगा। एक केजी दूध भी चाहिए इसको, अब दूध तो वहाँ पर बंद हो गया। दूध चाहिए, किशमिश चाहिए 500 ग्राम, तो वो तो हम तुमको दे देंगे, स्वाद ला देंगे। और फालतू उसमें थोड़ी कपड़ा लगा, फालतू नहीं है। अभी ये देखिए, एक घंटा के बाद चाहे आधा घंटा के बाद ना, इसका लिस्ट कहे कि हाँ एक चीज़ ये छूट गया, ये लिख दीजिए। इसका आदत है, ऐसा कुछ नहीं होगा। चलो ठीक है दोस्तों, हम नहा हुआ के तो रेडी हो गए, देख सकते हैं। और अब हम लोग जा रहे हैं खाना खाने। खाना तो हम नहीं बनाए, मेरी फ्रेंड ही बनाई है, देख सकते हैं। खाना खा भी रहे हैं और हम खा रहे हैं। सब्जी पालक दाल का दाल है और ये सब्जी है, ये वाला कुचला है। और यहाँ पे पापड़ सलाद खा रहे हैं। दोस्तों हम दोनों खाना वगैरह तो खा लिए, अब मैं जा रहा हूँ स्वाति के लिए एडमिट कार्ड लाने, क्योंकि कल से एग्जाम होने वाला है। और बहुत सारा सामान लिखे है, देख सकते हैं, मुँह वगैरह, किशमिश और पता ना क्या क्या लिखे। और कुछ सामान चाहिए बताओ। नहीं, तो जाए ना, तुम क्या करेगी? आराम करने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्त, मैं जा रहा हूँ मार्केट में। दोस्तों अब मैं आ चुका हूँ एटीएम में, देख सकते हैं, और यहाँ से मुझे कुछ पैसा निकालना है। तो मैं यहाँ से 500 रुपये निकाला हूँ और अब मैं जा रहा हूँ एडमिट कार्ड निकालने। और समझ सकते हैं कि रोहतास जिला में 31 मार्च से ही इंटरनेट लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सासाराम औरंगाबाद की तरफ दंगा फसाद हो गया है ना, तो जिसके वजह से अभी पता ना कितना दिन तक इंटरनेट बंद रहेगा। और हम लोग फोन पे और पेटीएम का भी लोग इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं एडमिट कार्ड निकालने, और गैस पेपर भी लेना है, टारगेट का हो या A1 का, मैं ले लूँगा। तो अब मैं आ चुका हूँ एक दुकान पर एडमिट कार्ड निकलवाने स्वाति के लिए, देख सकते हैं। एडमिट कार्ड निकाल दिया है, देख सकते हैं स्वाति। तो मैं यहाँ से एडमिट कार्ड निकलवा लिया हूँ, देख सकते हैं, और एक 2 कॉपी भी मैं लिया हूँ। चलिए अब हम चल रहे हैं किताब के दुकान पर। दोस्तों अब मैं आ चुका हूँ एक किताब के दुकान पर, देख सकते हैं, बक्सा रोड कोचस। और पॉलिटिकल साइंस अनर्स का मुझे किताब लेना है भैया। पॉलिटिकल साइंस अनर्स का BA Part 2 का किताब दे दीजिए। तो उस दुकान पर तो मुझे किताब नहीं मिला जो मैं खोज रहा था, टारगेट का गैस पेपर स्वाति बोली थी। तो देख सकते हैं मैं दूसरा दुकान से मैं टारगेट का गैस पेपर लिया हूँ BA Part 2 का, ये मुझे पड़ गया टोटल 140 रुपये का। तो चलिए मैं चलता हूँ घर, और जाते समय स्वाति बोली है कि दूध ले लीजिएगा 1 किलो। दोस्तों मैं दूध लिया हूँ 1 किलो दूध 62 रुपये का, और मैं यहाँ पर खीरा ले रहा हूँ। खीरा कैसे भैया? 30 रुपये किलो। 1 किलो दीजिए खीरा यहाँ पर। दोस्तों मैं मार्केट शोरूम पर तो आ गया, देख सकते हैं बहुत सारा सामान लिए जो स्वाति बोली है। और इसको देख सकते, क्या कर रही थी, कब से बैठे हुए थे, वेट कर रहे थे आपका। लोग दूध लाए हैं और खीरा है, खीरा यहाँ बहुत सस्ता है, 30 रुपये किलो है। ककड़ी, हाँ 30 रुपये किलो है, वहाँ पर कैसे था? 80 रुपये किलो। तो यहाँ पर दोस्त ककड़ी खूब खाना है, स्वाति को खूब खाओ ठंडा ठंडा चीज। दोस्तों हम कुछ देर तक आराम कर रहे थे और वो भी मेरा भूख उख लेके तो आ गए। अब हम देख सकते हैं हॉर्लिक्स दूध लिए हैं अपना, जो दूध लेके आए थे उसको उबाल के ले लिए हैं पीने के लिए।
दोस्तों हम अपना दूध तो पी लिए और देख सकते हैं यहाँ पर अपना बुक लिए हैं। कल मेरा पॉलिटिकल साइंस का पेपर है तो सोचे थोड़ा पढ़ लेते हैं, वरना लिखेंगे क्या। तो चलिए थोड़ा सा हम पढ़ाई अपना कर लेते हैं। देख सकते हैं ये है अपना बुक। दोस्तों अब शाम हो चुकी है और स्वाति गई है मार्केट में और कुछ बाजार करने, और कैमरा घर पर ही छोड़ के गई है। वजह जानते हैं, वो डर रही थी कि हम कैमरा लेकर जाएंगे ब्लॉगिंग करेंगे तो लोग हमको पहचान लेंगे। मतलब देखते हैं कब आ रही है, तब तक से मैं आराम कर रहा हूँ यहाँ पर। दोस्तों स्वाति के मार्केट गए हुए आधा घंटे हो गए और देख सकते हैं ये आ भी गई है, देख लीजिए। क्या कला है, देखे देखे हाथ पागल हाथ देखे क्या कला है। बड़ा जल्दी आ गई, ब्रश लिया अपने लिए ना। हाँ। देखिए मास्क ली है। कोई पहचान नहीं ना है। समोसा है ये, ये पहले पी लो। और इसमें क्या है, ये टोकरी लेनी है सब्जी वब्जी। ये कपड़ा उड़ रहा था ना हवा से। हाँ। उसके लिए ये ले लिए। और देख सकते हैं हम अपने लिए दुपट्टा लेके आए हैं, फेस कवर करके एग्जाम देने जाएंगे कि कोई सेंटर पर पहचाने ना, और धूप भी बहुत काफी तेज है तो ये सफेद दुपट्टा ले लिए हैं। एक बात बताओ, तुमको कोई पहचाना है कि नहीं? नहीं कोई नहीं, लेकिन यहाँ पे ना सब लोग मास्क पहने थे, अजीब तरीके से देख रहे थे जैसे कि हम कुछ अलग हो, क्योंकि यहाँ पे कोई मास्क तो पहन नहीं रहा। चोर जैसा सब लोग देख रहे हैं कि शायद ये चोर है। हाँ, चोर है। आप लोग से माफी चाहते हैं, सॉरी, क्योंकि हम कैमरा लेके तो नहीं गए। हम लोग को डर लग रहा था कि कैमरा लेके जाएंगे ब्लॉगिंग करेंगे तो शायद किसी के नजर में जल्दी आ जाएंगे, पकड़ी जाएगी। हाँ, गांव के लोग देख ले और घर के लोग देख ले, इसी की वजह से ये नहीं गई है। कल से कोशिश करेंगे ले जाना, लेकिन आज नहीं गए, फर्स्ट बार गए थे। कल तो एग्जाम है। हाँ कल एग्जाम है और मुझे एग्जाम का तैयारी भी करना है। चलो ठीक है, ये वाला पी लो, पहले ग्लूकोज पियो। ये देखिए मेरे लिए ग्लूकोज बनाया है। ये डर नहीं लग रहा था कि मतलब कोई आएगा पीटेगा पकड़ेगा, ऐसा कुछ डर नहीं था। लेकिन कोई अगर जान पहचान का मिल जाता फिर लगता पूरा पूछने तो स्वाति कहाँ कब आ गई, कैसी हो, कहाँ पर हो, फिर सबको जगह लीक हो जाएगा तो सही। और हम सब दोस्त एक लोग सिर्फ मिले हैं जब मार्केट में हम गए हुए थे, तो वीडियोज बनाने का हमारा भी मन नहीं कर रहा था, लेकिन हम जबरदस्ती वीडियोज बनाए हैं। किताब करते समय, हर कुछ करते समय सब दिखाए, एटीएम से पैसा निकालते समय भी दिखाए हैं। कल से हम भी कोशिश करेंगे बनाने। तो पियो, आज तो नहीं गए, आज हम लोग जब से आए हैं पहली बार बाहर निकले हैं घर। ओ, रात को निकली है, रात को था, शाम को। और दिख रहा था। हाँ, थोड़ा अंधेरा हो। चलो पियो, आराम करो ना। तो हम मार्केट से तो आ गए और जो समोसा और चौमी लाए थे वो खा रहे हैं। खाओ। छोटा वाला पैक कराए थे तो हम जो लाए थे समोसा और चौमी वो तो खा लिए। और देख सकते हैं यहाँ किचन में हम खाना बना रहे हैं, परवल आलू का भुंजिया है। कल भी मेरी फ्रेंड ही खाना बनाई थी और आज भी, तो कितना बोलने के बाद भी है बनाने के लिए, दे नहीं रही, हमको कुछ काम भी नहीं करने दे रही है, तो सोचे हम बना रहे हैं खाना और हम भी बना रहे साथ में, अब बोले कि तो नहीं बनाएंगे। दोस्तों हमारा भुंजिया तो हो गया और देख सकते हैं यहाँ पे हम पराठा बना रहे हैं। जिसको जिसको खाना है आ सकते हैं खाने। तो हमारा खाना बन के रेडी हो चुका है और हम लोग जा रहे हैं खाना खाने। एक ही में दोनों लोगों का निकाले हैं, भुंजिया है, पराठा है और भुना हुआ चावल है। हम दोनों लोग खाना वगैरह तो खा लिए और हम और स्वाति आ चुके हैं छत पर। स्वाति बोली है कि टहलने का मन करा है, देख सकते हैं इसको। सोचे थोड़ा टहल लेते हैं खाना खाने के बाद, और हवा भी चल रहा तो अच्छा लग रहा है। यहाँ पे काफ़ी गर्मी है, बनारस में तो थोड़ा ठंडा टाइप का मौसम है, लेकिन यहाँ पे बिहार में गर्मी है। तो समय कितना हो रहा है दिखाओ तो, 10:58, 11 बज रहा है, तो हम लोग भी सोएंगे। सोचे थोड़ा सा टहल लेते हैं, खाना खाए हैं उसके बाद सोएंगे। तो हम लोग छत से नीचे तो आ गए और इसको देखिए पढ़ रही है। दो दिन में क्या तैयारी करो लोग बताओ। तो नहीं देखे बहुत, एक बार पढ़ लेंगे तो सही ना रहेगा। दो दिन में क्या तैयारी कर लेगी है? बोलो कि यूपी में मिल ही नहीं रहा था ना साथी। चलो तैयारी करो। कौन सा विषय है ये, कौन सा है? पॉलिटिकल साइंस वाला पढ़ रही है,
ठीक है, पॉलिटिकल साइंस पढ़ रही है। कल मेरा इसी का एग्जाम है। इसी का एग्जाम है? चलो पढ़ो दोस्तों। ये तो पढ़ रही है, देख सकते हैं, और काफ़ी रात भी हो गई है दोस्त, तो अब मैं जा रहा हूँ सोने। तो दोस्तों यहीं रही आज की यह वीडियो, कल फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। कल स्वाति का एग्ज़ाम देने जाना है तो इसीलिए आज देर तक पढ़ रही है। तब तक से गुड नाइट, सो जाइए।